अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोस्टैटिक्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इन फर्स्ट लेक्चर वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ द करेक्ट बायोस्टैटिक्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। बेसिकली स्टैटिक्स एक साइंस है, आर्ट है, जिसमें आप कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, टेबुलेट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी एनालिसिस करने के बाद आप अपने रिजल्ट निकालते हैं न्यूमेरिकल डेटा से। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि आपकी जो जितने भी स्टैटिक्स की चीज़ें होंगी ना, वो न्यूमेरिकल डेटा में होंगी, यानी 1, 2, 3, 4 नंबर्स में होंगे, ना कि ABCD वर्ड्स में। ठीक है, ये हमेशा याद रखें कि आपने जब भी रिसर्च करनी है तो उसमें यही चीज़ें होंगी कि सबसे पहले आपने अपना टॉपिक सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद डेटा कलेक्शन होगी, उसको क्लासीफाई करना होता है, उसकी टेबुलेशन करनी होती है, फिर उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है, एनालिसिस करना होता है, और अपने आपने एंड में अपने कंक्लूजन निकालने होते हैं न्यूमेरिकल डेटा में। ठीक है, तो अब बायोस्टैटिक्स की बात करें तो अगर इसमें हम बायोलॉजी को इन्वॉल्व कर लेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी या पब्लिक हेल्थ हो गई जैसे, तो फिर वो हम उसे क्या बोलेंगे, बायोस्टैटिक्स। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल। बेसिकली दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं उसमें आप हमेशा याद रखें किसी भी चीज़ की क्वालिटी डिस्कस की गई होगी, खासियत, खूबी, खामी, इस तरह की सारी चीज़ें, और ये हमेशा कैटेगोरिकल डेटा होगा। जहाँ पे भी कैटेगरीज में डेटा आपको मिलेगा, लाइक अब मैं कहता हूँ कि वो बहुत बहादुर है, ठीक है, तो ये जो बहादुर है बेसिकली आपकी क्वालिटी है, तो ये क्वालिटेटिव डेटा में आ जाएगा। बट अगर मैं ये कहता हूँ जो लोग 30 से लेकर 40 साल की एज में है वो बहादुर हैं, अब इसमें नंबर्स आ गए। लेकिन जब भी हम किसी चीज़, किसी डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, वो हमेशा हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल या होगा। ठीक है, इस तरह के आपको MCQs आएंगे। आप जैसे कैटेगरीज बोलते होंगे, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, एजुकेशन लेवल है, ठीक है, उसके बाद अनएजुकेटेड है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, फिर हम ये कह दें कि हम कैटेगराइज कर दें कि 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक कितने मेल हैं। ठीक है, अब 20 से लेकर जितने मेल हैं ये उनकी क्वालिटी है कि वो 20 से लेकर 30 साल के हैं, ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा, ये आपका हमेशा क्वालिटेटिव डेटा होगा। ये आपके लिए हिंट है, जब भी आप कभी क्वालिटीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे या न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इसमें आपको हमेशा नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, वो नंबर्स आपको लाइक 26 डिग्री, 1.8 मीटर, इस तरह की चीज़ें, जितने भी अगर न्यूमेरिकल मेजरमेंट होगी उसमें, तो वो न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, जो क्वालिटेटिव डेटा है उसकी दो टाइप्स हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल शोज दैट इट अनऑर्डर्ड, ठीक है, जिसकी कोई तरतीब नहीं होगी। जो ऑर्डिनल होगा वो हमेशा ऑर्डर में होगा। और फिर हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड टाइप जो हमने पढ़ी थी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। उसमें हमारे पास ये होता है कि उसमें हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स आते हैं, एक डिस्क्रीट, एक कंटीन्यूअस। ठीक है, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल की, फर्स्ट टाइप की, जो हमने कहा था नॉमिनल डेटा होता है। अच्छा, इसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड या नो रैंक, यानी किसी तरतीब में नहीं होगा। ठीक है, अब क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, अब मैं 50 बच्चों से पूछता हूँ कि आपका कलर क्या है, तो सबका डिफरेंस होगा, कोई तरतीब में नहीं आएगा कि मैं तरतीब बता दूँ, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वाइट वाइट, इस तरतीब में कभी भी नहीं आएगा, ये अनऑर्डर्ड होगा। किसी का वाइट आएगा, फिर ब्लैक आ जाएगा, फिर ब्लैक आ जाएगा, फिर वाइट, इस तरह ये अनऑर्डर्ड होगा, कोई रैंक नहीं होगा। इसी तरह आपका ब्लड ग्रुप अगर चेक किया जाए, आपका मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में रिलीजन चेक किया जाए, तो हमेशा डिफरेंस आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है नॉमिनल। जो ऑर्डिनल है, अब इसको याद रखेंगे, अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नॉमिनल ऑर्डर्ड वाला था या ऑर्डिनल था। ठीक है, तो आपके पास अच्छा तरीका है कि ऑर्डर्ड से याद रख लें ऑर्डिनल, वो भी ओ से स्टार्ट है, वो भी ओ से स्टार्ट है। ठीक है, ये वो चीज़ें होंगी या वो डेटा होगा जो हमेशा किसी ना किसी सीक्वेंस या रैंक में आएगा। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं रेनबो कलर, कभी चेंज नहीं हुए, जो उनके कलर थे वो उसी सीक्वेंस में आते हैं। फिर एक तरह का स्केल आ जाता है, लाइकर्ट स्केल, उसमें हमेशा यही होगा, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस तरह के होगा कि ये देखिए सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है, बीच में न्यूट्रल है, इधर जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, इधर जाते हैं तो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की, कि उनमें क्या होता है। उसकी पहली टाइप है डिस्क्रीट, एज द नेम शो डिस्क्रीट, यानी डिफरेंट, नुमाया, ठीक है, फैला हुआ, जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो, तो हमारे पास क्या आते हैं, डिस्क्रीट का मतलब होता है फैला हुआ।
तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो हमारे पास होते हैं होल नंबर, यानी जीरो से स्टार्ट। ठीक है, होल नंबर होंगे, जैसे कि क्वेश्चन इन एग्ज़ाम 5, 7, 14। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ डिजीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। फिर जो इसकी दूसरी टाइप है कंटिन्यूअस, यानी कभी ना रुकने वाली। आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ में हम पॉइंट लगाते हैं या डॉट लगाते हैं, या जिसे हम इशारिया उर्दू में बोला जाता है, वो आपको जहाँ पे भी नज़र आएगा वो आपका कंटिन्यूअस डेटा होगा। और यानी कंटिन्यूअस डेटा किस में होगा, डेसिमल पॉइंट्स में होगा। जो आपका डिस्क्रीट है वो हमेशा होल नंबर में होगा। तो ये इनको याद रखेंगे, आपके एमसीक्यूज भी इसी तरह आएंगे। वहाँ पे लिखा होगा कि बच्चे की हाइट है 5.3 इंचेस। ठीक है, तो ये बताएं ये कौन सा डेटा है। तो ये भी आ सकता है कि दो दो चीज़ें पूछी जाए। ठीक है, तो ध्यान से एमसीक्यूज को पढ़ना है कि ये क्वालिटेटिव और कंटिन्यूअस है, क्वालिटेटिव और डिस्क्रीट है, क्वांटिटेटिव और डेसिमल, क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस है, या क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट है। तो आपने पहले ये देखना है कि नंबर में है तो क्वांटिटेटिव है, दूसरा ये इसमें इशारिया है यानी पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स पाए गए। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए पेपर बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये था हमारा बायोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।